धार जिले के सागर कुटी में गत दिनों सम्राट ढाबे के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति का शव खून से लथपथ अवस्था में सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। मृतक के सिर व चेहरे पर चोट के गंभीर घाव थे, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। मृतक की पहचान हेतु पुलिस हर संभव प्रयास किया। पुलिस को मिले सुराग पर पता चला कि मृतक पवन पाटिल है, जो पीथमपुर में मसाला फैक्ट्री में काम करता था। गहरी छानबीन में पता चला कि मृतक को राम सिंह पेंटर के साथ देखा गया था। पुलिस ने पेंटर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि एक महिला से पिछले 3 साल से प्रेम करता है तथा उसके साथ शारीरिक संबंध भी रहे हैं। पिछले 1 साल से पवन पाटिल भी उस महिला से मेल मिलाप करने लगा। पेंटर ने पवन को उसकी प्रेमिका से मिलने से मना किया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा भी हुआ। घटना वाली रात दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। उसी दौरान पवन ने संध्या को फोन लगाया और स्पीकर पर बात करते हुए राम सिंह से बात करने का मना किया। इसी बात पर गुस्से में आकर आरोपी ने पवन के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मृतक का मोबाइल भी जब्त किया। भारतीय न्यूज के लिए साबिर खान FM की रिपोर्ट। 13/7 को एक घटना हुई थी थाना बगदून में सागर कुटी पे, जहाँ पर एक सम्राट ढाबा है, वहाँ एक मृतक मिला था। एक मृतक की लाश मिली थी जिसमें उसका चेहरे को कुचल दिया गया था। और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए CSP पीथमपुर, TI बगदून और उनकी टीम ने इस मामले को ट्रेस किया है और आरोपी को अरेस्ट किया है। इस प्रकरण में ये निकल के आया है कि राम सिंह पिता दरियाव सिंह, जो मृतक पवन पिता रमेश का दोस्त था, ये दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे। और घटना दिनांक को ये दोनों साथ में बैठ के शराब पिए। शराब पीने के बाद दोनों में इस बात का विवाद था कि दोनों एक दूसरे को कहते रहते थे कि तू उससे बात नहीं करेगा। उस दिन शराब पीने के बाद राम सिंह उठा और टॉयलेट जाने के बहाने से उठा और उसने जो मृतक है उसको पीछे से पत्थर मारा और मार मार के उसका जो है सर पूरा कुचल दिया। उसका मोबाइल फ़ोन लेके भाग गया ताकि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो। इस पूरे प्रकरण में CSP पीथमपुर, TI पीथमपुर, सभी की टीम ने अच्छा काम किया। आरोपी और सभी जो मशरू का है वो रिकवर कर लिया गया। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।